Hello, everyone, and welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss uh, the concept of free movement of goods in EU law. I've already created a lecture specifically for fiscal trade barriers, and today my discussion is going to focus on non-fiscal trade barriers. You EU law a important area, examiner common question a particular theme. सो so, आज का लेक्चर एक तो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा काफ़ी लेंथी होगा जिसके अंदर मैं तमाम नॉन फिजिकल ट्रेड बैरियर्स के कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा अच्छा अब आपने एक बात जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपने सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझना है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड लॉ या जिसको हम फ्री मार्केट के अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं उसके अंदर गुड्स के अंदर आपका जो टॉपिक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वी हैव फिजिकल ट्रेड बैरियर्स जिसको मैंने टैरिफ बैरियर्स के नाम से यहाँ पर एसोसिएट किया है जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल चार्जेस आपसे रिकवर किए जा रहे होते हैं इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ और इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ चार्जेज़ हैविंग इक्वल इंट इफेक्ट एज़ टू कस्टम ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी एट एंड आर्टिकल थर्टी ऑफ टी एफ ई यू ऑन दी अदर हैंड वी हैव जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैंने ये लिख दिया हुआ है और उसके साथ हमारे पास आर्टिकल वन टेन है जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स को डील कर रहा है अंडर आर्टिकल वन टेन सो मैं इसके साथ आर्टिकल्स भी लिख देता हूँ आपको फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन ताकि ये साथ आपके जहन में रहे सो so, आर्टिकल हमारे पास है जनाब आर्टिकल ट्वेंटी एट एंड आर्टिकल थर्टी विद रिगार्ड टू दिस एंड दैट इज़ टी एफ ई यू एंड देन वी हैव आर्टिकल वन टेन फॉर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन जो आज का हमारा टॉपिक है वो दैट इज़ पर्टिकुलरली गोइंग टू फोकस ऑन अ नॉन टैरिफ बैरियर्स या नॉन फिजिकल ट्रेड बैरियर्स भी हम इसको कॉमनली रिफ़र कर सकते हैं इफ़ आई जूम इन टू दिस परटिकुलर पार्ट तो आपको नज़र आ रहा है कि जो हम लफ्स यूज़ करते हैं नॉन फिजिकल ट्रेड बैरियर्स इसमें दो चीज़ें कवर होती हैं इन पर्टिकुलर फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जिसको हम क्यू के नाम से भी रेफर करेंगे एंड देन The major part of this lecture is going to focus on measures which have an equivalent effect as to quantitative restrictions, which are commonly referred as MEQRs. So, what you need to keep in mind is that in this regard, we have Article 34 of TFEU, then we have Article 35 TFEU, and then we have Article 36 TFEU so these are particularly three articles that are going to be subject of discussion in today's lecture because hamne yale articles yome ne apko is site pepele liginia that is article 28 110 and article 30 yome pepele discuss kar so again uh, नॉन फिजिकल ट्रेड बैरियर्स ई लॉ के अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इसके अंदर कोई चार्जेस आपसे रिकवर नहीं किए जा रहे होते कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे होते बेसिकली कोटाज़ या क्वानट क्वान्टिट्टी के ऊपर मकदार के ऊपर कमी लगा के ये रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की जाती हैं uh, इसके साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसके ऊपर आज का लेक्चर ज़्यादा फोकस करेगा दैट इज़ गोइंग टू बी मेजर्स हैविंग इक्वलेंट इफ़ेक्ट एज टू क्वानिटेटिव रिस्ट्रिक्शन तो ये कौन से वो इकदाम हैं जिनके ऊपर बेसिकली ये कोई क्वान्टिटी में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती दर दर हकीकत बट उसका इक्वलेंट इफ़ेक्ट आता है जैसे कि वो एक क्वांटिटी में ही रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा हो सो दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर आगे चलते हैं सो so, uh, जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो दो मेजर आर्टिकल्स हैं इस चीज़ को जो प्रोहिबिट कर रहे हैं नॉन फिजिकल ट्रेड बैरियर्स को उसमें सबसे पहले आर्टिकल 34 आता है जो कि ट्रीटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन का आर्टिकल है वो क्या कहता है वो कहता है कि क्यू यानी क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड ऑल मेजर्स मेगर्स हैव एन इक्वल एंड इफेक्ट शेल बी प्रोहिबिटेड बिटवीन मेम्बर स्टेट्स ऐसे तमाम इकदाम जो कि क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हैं या एम हैं ऑन इम्पोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड सो क्यू आर एंड एम ई क्यू आर्स इम्पोर्ट पर मना है अच्छा और ये आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है बिटवीन थर्टी फोर एंड आर्टिकल थर्टी फाइव तो थर्ट फाइव ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो सेम चीज़ को प्रोहिबिट कर रहा है इट प्रोहिबिट्स क्यू आर्स एंड एम ई क्यू आर्स बट विद रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट्स तो मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये एक्सपोर्ट्स को डील कर रहा है और ये इम्पोर्ट्स को डील कर रहा है सो आपको ये चीज़ मेन समझ आनी चाहिए द रेस्ट ऑफ दैट इज़ वेटी मच सेम बट ऑब्वियसली जब हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाउ आर्टिकल थर्टी फाइव कैन बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस एज कंपेयर टू आर्टिकल थर्टी फोर अच्छा जी आर्टिकल थर्टी सिक्स ऑन दी अदर हैंड मैंने जो अपनी इनिशियल स्लाइड पर यह भी मैंशन किया था कि देर इज़ एन अदर आर्टिकल दैट इज डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दैट इज आर्टिकल थर्टी सिक्स अब आर्टिकल थर्टी सिक्स किस चीज़ को प्रोहिबिट कर रहा है एक्चुअली ये प्रोहिबिशन नहीं है ये एक डेरोगेशन का आर्टिकल है सो so, जो चीज़ थर्टी फोर और थर्टी फाइव में प्रोहिबिटेड है उसकी जो डेरोगेस हैं यानी अगर कोई कंट्री ऐसी क्यू आर या एम क्यू आर्स लगाता है तो क्या वो ग्राउंड हैं जिनकी बेसिस के ऊपर वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हमने ये रूल इस वजह से ल था ठीक है अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सो फॉर इंस्टेंस अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लें ले, कि अगर तो Uh, एक कंट्री ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जी हमने एक साल के अंदर 5000 से ज़्यादा गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करनी दैट इज़ क्लियरली अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो कि इंपोर्ट्स के लिए आर्टिकल 34 में मना है अच्छा अब उसके लिए भी ये ग्राउंड यूज़ हो सकते हैं कि भाई हमने क्यों नहीं लगाया इट कुड बी एनी इट कुड बी अगर इनमें से कोई ग्राउंड सेटिस्फाई हो रहा है वैसे तो टेक्निकली ऐसी क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन पर्टिकुलरली गाड़ियों की के एग्जाम्पल के ऊपर कोई इसमें से कोई ग्राउंड जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं उनपे से जस्टिफाई नहीं करेगा बट नेवर द लेस अगर कोई और रीज़न है लेट्स से किसी ने एक प्रोहिबिशन लगाई हुई है कि जी जो आर्म्स एंड एमिनेशन है वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही इम्पोर्ट कर सकती हैं इसके अलावा सिविलियंस नहीं कर सकते तो अगर उसके ऊपर कोटा लगा हुआ है तो क्लियरली दैट वुड बी जस्टिफाइड अंडर पब्लिक सिक्योरिटी सो so, बताने का मकसद ये है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मिकदार में कमी होती है और वो जस्टिफाई हो सकती है आर्टिकल 36 में अच्छा इसी के क्वान्टी अगर मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पर एक एम ई क्यू आर के बारे में बता दूँ तो एम ई क्यू आर वैसे तो हमें देखना होगा कि इसकी बड़ी एक टेक्निकल सी डेफिनेशन है जो कोर्ट ने बैक एंड फोर्थ मुख्तलिफ केसेज़ में हमें वो डेफिनेशन दी हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दोफिनेशन बट द मेजर पार्ट इज़ दैट अगर मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक कंट्री ये रूल बनाता है जिस तरह पाकिस्तान में भी रूल है कि भाई आप गाड़ियाँ तो इंपोर्ट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट इम्पोर्ट अ कार विच इज़ लेस दैन फो फाइव ईयर्स ओल्ड तो आप अगर पाँच साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी इम्पोर्ट नहीं कर सकते तो दैट इज़ नॉट पर से अ कोटा और अ क्वान्टिटे रिस्ट्रिक्शन ऑल्दो के इसका बेसिकली यही इम्पैक्ट आएगा कि ये वैसे तो खुद एक मकदार में कमी नहीं है लेकिन इस मेयर का एक इक्विलेंट इफेक्ट होगा जैसे कि एक मकदार में कमी हो रही है जाहिर सी बात है आपके पास एक बहुत बड़ी वेराइटी ऑफ कार्स यू कैन नॉट इम्पोर्ट तो ऑटोमेटिकली दैट विल क्वालिफाई एज़ अ MEQR. There can be hundreds of examples. Uh, I give a lot of such examples to my students that includes ki, for example, if there is a rule that you cannot sell cigarette open, so you have to sell it in a box. So that is a probably an MEQR. So we will see those definitions if a country puts this rule that we only import electric vehicles. Hum import so that per se is not a quantitative restriction, but that would amount to an uh, MEQR. So that being said, एम ई क्यू आर हो या क्यू आर हो उन दोनों की जस्टिफिकेशन कहाँ मिलती है आपको आर्टिकल थर्टी सिक्स में फॉर नाव दैट यू नीड टू कंसिडर इन इोर माइंड जिसमें हमारे पास बहुत से ग्राउंड्स हैं जैसे पब्लिक मोरालिटी है प्रोटेक्शन पब्लिक पॉलिसी है पब्लिक सिक्योरिटी है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ लाइफ ऑफ ह्यूम एनिमल्स एंड प्लांट्स है फिर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेयर्स हैं प्रोसेसिंग आर्टिस्टिक हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी तो ये वो कुछ ग्राउंड हैं जिनको यूज करके जिनको इन्वोक करके आप क्यू आर या एम ई क्यू आर को जस्टिफाई कर सकते हो हैविंग सेड दैट अब जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि आर्टिकल थर्टी फोर में जो सबसे पहली चीज़ मना है वो क्यू आर है क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्यू आर स्टैंड फॉर वट इसका मीनिंग क्या है अगर आपने ट्रीटी आर्टिकल वाली स्लाइड देखी हो तो उसमें कहीं पर ये डिफाइन नहीं किया हुआ था कि क्यू आर क्या होता है और एम ई क्यू आर क्या होता है सो वी हैव दिस केस ऑफ गेडो जिसके अंदर qr code defined the prohibition on the quantitative restriction covers measures which amount to total or partial restraint according to the circumstances imports exports or goods in transit measures having equivalent effect not only take form of a restraint described whatever the description or technique employed they can also consist of incumbents. हैविंग द सेम इफेक्ट जर्नल आइडिया अगर आप इसका ऑपरेटिव पार्ट देखो इस डेफिनेशन का वो ये है कि टोटल और पार्शल रिस्ट्रेंट सो so अगर आपने टोटल बैन लगा दिया किसी चीज़ के ऊपर जिसको कोट ऑफ जीरो कहते हैं तो दैट वुड ऑल्सो क्वालिफाई एज अ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन अच्छा अब ये इम्पोर्ट पर भी हो सकती है और ये एक्सपोर्ट पर भी हो सकती है और गुड इन ट्रांजिट के ऊपर यानी जो आपके मुल्क से चीज़ गुजर रही है उसके ऊपर से पे के ऊपर भी आप मिकदार में कमी लगा सकते हो ये पार्शल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है सो बेसिकली क्यू आर के अंदर आपको कोटाज नज़र आएंगे आपको लिखा जाएगा कि कितनी अमाउंट के अंदर वो चीज़ लाई जा सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी मैनिफेस्टेशन या इसकी जो एग्ज़ाम्पल है इस केस की जो डेफिनेशन आपके सामने रखी है इसकी एग्ज़ाम्पल गिवन इन द केस ऑफ ली ऑन जिसके अंदर स्पेन के कुछ रूल्स थे जिनके मुताबिक स्पेनिश अथॉरिटीज़ प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट ऑफ थ्री थाउजेंड हेक्टो ऑफ लिकर और उसका रीज़न ये था कि हम उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए उनको वो रिक्वायर्ड था सो so, उन्होंने एक प्रोहिबिशन लगाई हुई थी दैट 3000 थाउजेंड हेक्टोलीटर वॉज प्योरली अ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन वो मकदार में कमी थी सो so, um, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपके सामने दे दी हैं टोटल रिस्ट्रेंट भी हो सकती है इट कुड बी पार्शल रिस्ट्रेंट एज वेल सो सारों केसेज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए एक बात और ध्यान में रखें कि ऑल कि क्वानिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो मना हैं लेकिन अगेन उसकी जो हैं दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टेट वो कंट्री उसको क्लेम कर सकता है अंडर आर्टिकल थर्टी सिक्स टी एफ ईयू सो वो आर्टिकल जो है वो ट्रीटी आर्टिकल है और वो क्यू आर और एम ई क्यू आर दोनों को जस्टिफाई कर सकता है तो इसलिए यू हैव टू कीप दैट इन माइंड हैविंग दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एम ई क्यू आर दिस इज द प्रॉब्लमैटिक पार्ट बिकॉज इसके अंदर हम देखेंगे के लॉ बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चेंज हुआ है सो so, इसको समझना फॉर एवरी स्टूडेंट इज़ पैरामाउंट बिकॉज जो क्वेश्चन का फोकस होगा दैट वुड बी ऑन एम ई क्यू आर्स विच इज़ एज मेजर्स हैविंग इक्वल इफेक्ट एज टू क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सो हमारा अब जो पूरी डिस्कशन है दैट इज़ गोइंग टू सराउंड विद एम ई क्यू आरस नाउ इसके अंदर जो एवोल्यूशन आई है जो लॉ के अंदर चेंजेस आई हैं दैट आर वेरी क्रूशल और जाहिर है हम इसमें रिसेंट लॉ भी डिस्कस करेंगे बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू इज़ नॉट अ सिस्टम वेयर बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज़ फॉलोड पर से इट्स अ सिविल लॉ सिस्टम तो इसलिए यहाँ पर हर केस की डेफ़िनेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और आप ये मत समझिएगा कि कुछ केसेस ने कुछ प्रीवियस केसेस को ओवर रूल कर लिया अब जो हम सबसे पहला डेफिनेशन देखेंगे दैट वाज गिवन बाय द डायरेक्टिव 70 स्लैश फिफ्टी जिसके अंदर कमीशन ने यूरोपियन कमीशन ने इनिशियली जो आर्टिकल 34, 35 में एम ई की मीनिंग को एक्सप्लेन किया था उसके बाद हमारे पास डॉसिन वैली का केस आता है जो कि बहुत ही वाइड डेफिनेशन प्रोवाइड करता है फिर उसके बाद हम कसीस डिजॉन का केस पढ़ेंगे Uh, जिसने एक अटैम्प्ट की थी बेसिकली नैरो करने की लेकिन हम देखेंगे कि दैट अटैम्प्ट बैडली फेल्ड एंड इवेंचुअली द कोर्ट यू नो फर्दर नैरो डाउन द लॉ इन द केस ऑफ कैक और कैक के अंदर जो एक नैरो क्लासिफिकेशन की गई थी एम की बिटवीन सेलिंग अरेंजमेंट एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स वो फिर डिस्कस करेंगे एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोस् केक लॉ जिसके अंदर गोमे इंटरनेशनल या जी एम बी एच केस जो है वो बड़ा पैरामाउंट है uh, जिसके अंदर एक्सेस टू मार्केट टेस्ट जो इस वक्त करंट टेस्ट यूज़ किया जा रहा है फॉर द डेफिनेशन ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर uh, जो एम ई क्यू आर को डिफाइन करती है चीज़ दैट इज दिस मॉडर्न टेस्ट ऑल्दो कि ये कहना गलत होगा कि जी इससे पहले के साथ तमाम टेस्ट जो हैं वो ओवर रूल हो चुके हैं वो खत्म हो चुके हैं नहीं ऐसा नहीं है एप्लीकेशन uh, उनकी भी इंपॉर्टेंट है सो so, हमने सारों को स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से समझना है डिटेल में सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टिव सेवेंटी स्लैश फिफ्टी अब पहली बात तो मैं आपको ये इस स्लाइड के ऊपर ही क्लियर कर दूं कि ये डायरेक्टिव आज इन्फोर्सड नहीं है दैट हैज़ बीन रिपील्ड लेकिन इसको पढ़ना या इसको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जो ई के जो डिसीजंस आए हैं उसके अंदर इस डायरेक्टिव की एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनफैक्ट जो लैंग्वेज यूज़ की गई है इस डायरेक्टिव में वो आपको क्लियरली नजर आएगी इन द लैंग्वेज यूज बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस सो स्पीकिंग ऑफ हमारे पास जो डायरेक्टिव है वो बात करता था मयर्स से रिलेटेड के तमाम वो मयर्स जो के अगर आप इसकी लैंग्वेज देखें तो वो कहता है कि ऑल दोज मयर्स गवर्निंग विद मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विच डील इन पर्टिकुलर विद शेप साइज़ वेट कंपोजिशन प्रेजेंटेशन आइडेंटिफिकेशन एंड पुटिंग अप वगैरह वगैरह अब ये जो लैंग्वेज है इसके साथ आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री का आपने समझना है बिकॉज ये इस पर्टिकुलर लॉ के आर्टिकल्स हैं डायरेक्टिव के आर्टिकल्स हैं तो डायरेक्टिव 70 स्लेश फिफ्टी का जो आर्टिकल टू है दैट वाज क्रिएटिंग ओनली डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये डिज़ाइन किया गया था कि अगर कोई मुल्क डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है जिसको हम डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मेजर भी कहते हैं यानी वो मैयर जो कि सिर्फ बाहर वाले पर अप्लाई हो रहा है या बाहर जाने वाले पर अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है दैट इज़ ओरिजिन स्पेसिफ़िक वेयर एज़ ऑन दी अदर हैंड जो आर्टिकल थ्री था जो कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को डील करता है दैट वॉज बेसिकली अब हमें यह समझना है कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है हम इसको एक तो सबसे पहले इन एप्लीकेबल मैयर कहते हैं सो आई डी एम Uh, एक ऐसा रूल होता है एक ऐसा मैयर होता है जो ऑन द फेस ऑफ इट सारों पे अप्लाई हो रहा होता है यानी वो लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है और बाहर से आने वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे भी अप्लाई हो रहा होता है बट इट इज़ इन फैक्ट मोर बर्डन सम ऑन दी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट तो ये बाहिर तो सारों पर ऑल ऑल अक्रॉस अप्लाई हो रहा होता है लेकिन बाहर वाले के लिए ये ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा होता है अब आपने ये बात जहन में रखनी है मैं यहाँ पर एक क्लैरिटी से इस पॉइंट को लिख भी देता हूँ आपके लिए और वो ये है कि जो आपका डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मैर्स थे जो आर्टिकल टू के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं वो यानी ऐसे तमाम रूल्स जो शेप साइज लेबलिंग पैकेजिंग मार्केटिंग को डील कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन है तो दे वर कन्सिडर्ड एज एम ई क्यू आरस क्लियरली एंड दे आर प्रोहिबिटेड कैन दे बी जस्टिफाइड येस अंडर आर्टिकल सो आर्टिकल थर्टी सिक्स टी एफ यू उनको जस्टिफाई भी कर सकता है ऑन दी अदर हैंड वन वी टॉक अबाउट इन डिस्टिंगली एप्लीकेबल मयर्स यानी वो तमाम मयर्स जो कि शेप साइज लेबलिंग पैकेजिंग मार्केटिंग कंपोजिशन प्रजेंटेशन वगैरह से डील कर रहे हैं अगर तो वो आर्टिकल थ्री के मुताबिक इनडिस्टिटली एप्लीकेबल मयर्स हैं यानी वो ऐसे मयरस हैं जो कि सारों के ऊपर ऐसे जाहिर करते हैं कि सारों के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं बट आर इन फैक्ट मोर बर्डनसम ऑन द लोकल वंस या डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और बाहर वाले को डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं ऑन द सर्फेस वो जाहरी तौर पर नहीं ऐसा रिवील कर रहे होते तो अभी मैं आगे इसकी जाके आपको जब एग्जाम्पल्स दूंगा तो आप काफी ज्यादा क्लियर हो जाओगे कि व्हाट आर दोज मयर्स जो कि इनडिस्टिंगली एप्लीकेबल हैं या व्हाट आर दोज मयर्स विच आर डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल अच्छा जी तो इनडिस्टिंग एप्लीकेबल मैयर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री व दे वर कंसिडर्ड Not MEQRs. So you have to keep this mind, keep this in mind दिस ye even कि ये इवन एम ई क्यू आर माने ही नहीं जाते थे देवर काइंड जस्टिफाइड अनलेस देवर आउट ऑफ प्रपोर्शन तो आर्टिकल थ्री ने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर कोई मुल्क ऐसा रूल बनाता है जो अक्रॉस द बोर्ड सारों पर इक्वली अप्लाई हो रहा है बाहर वाले के लिए बेशक को थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहा होगा वो एम ई क्यू आर ही नहीं होगा और क्योंकि वो एम ई क्यू आर ही नहीं है तो उसको जस्टिफिकेशन ही नहीं चाहिए अनलेस कि वो हद से ज़्यादा तजावज तो कर जाए यानी उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती हो तो देन इट विल बी आउट ऑफ प्रपोर्शन तो तब उस चीज़ को आप देख सकते हो तो ये आपको डिस्टिक्शन बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए बिटवीन डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मैयर एंड इनडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मैयर बिकॉज ये आपके क्वेश्चन के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वॉट इज़ द डिस्टिंगशन बिटवीन डिस्टिंक्टली एंड इन एप्लीकेबल मैयर सो अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टिव रिपील हो चुका था अब जो पहली दफ़ा ई ने हमें डेफिनेशन दी दैट वॉज गिवन इन द केस ऑफ डॉसन विली अब ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस केस को हम पहले इसके फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं इस केस में क्या था कि दे वॉज अ फ्रेंच नेशनल जो के जाता है स्कॉटलैंड uh, में और स्कॉटलैंड इस वक्त ई का पर्टिकुलरली पार्ट part नहीं था बिकॉज़ ये केस 1973 में स्टार्ट हुआ और उस वक्त ई यू ने यू में अभी शमूलियत हासिल करनी थी खैर ये बंदा वहाँ से जाके स्कॉच ले आया और ही इट इन फ्रांस एंड फ्रांस से ये लेके गया बेल्जियम में बेल्जियम में एक रूल था कि जो भी बंदा विस्की सेल कर रहा है ही नीड्स टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी कि ये रूल तमाम लोगों पर इक्वली अप्लाई कर रहा था ये ये फ़र्क ही नहीं कर रहा था कि डोमेस्टिक के लिए या बाहर वाले के लिए रूल में कोई फ़र्क है एक ऐसा रूल था जो बेल्जियम में ख़ास तौर पर एग्जिस्ट कर रहा था जो कह रहा था कि जो शख्स भी विस्की सेल कर रहा है जहाँ की भी मेड इन हो वो उसके पास उस जगह का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बनी कहाँ की हुई है अब ऐसा कोई रूल फ्रांस में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इस बंदे को ये मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर ये रूल है अब इसको पकड़ लिया गया कि भाई आपके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है अब जब इसने चैलेंज किया कि भाई ये जो रूल है ये तो एम के बराबर है यानी ये एक ऐसा मैयर है जो कि बजात ख़ुद तो मकदार में कमी नहीं है लेकिन उससे मकदार में कमी आ सकती है इट्स अ मैयर हैविंग इफेक्ट एज टू अ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन अब विदाउट लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर हम पहले की बात करें इन फैक्ट्स को सामने जहन में ला के तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करोगे कि आर्टिकल जो हमारा डायरेक्टिव सेवेंटी स्लेश फिफ्टी था उसका तो ये आर्टिकल थ्री की बात है बिकॉज ये रूल तो सारों के लिए था और हमने देखा था कि आर्टिकल थ्री वॉट कंसिडर्ड एमी क्यू आरस तो आप देखें कि अगर यही केस उस वक़्त होता और वो लॉ अप्लाई किया जाता तो वो तो एक इनडिस्टिंगटली एप्लीकेबल मैयर था बिकॉज़ ये मैयर सिर्फ लोकल बंदे पे सॉरी इंपोर्टेड पे नहीं था ये लोकल डोमेस्टिक बंदे के ऊपर भी था लेकिन आप देख रखते हैं कि लोकल बंदे ने या जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होगा या डोमेस्टिक सेलर होगा उसने तो बड़े इजीली अपना जा के सर्टिफिकेट बनवा लेने और वो जाके सर्टिफिकेट के साथ सेल करेगा लेकिन जो बाहर से आ रहा है उसके लिए दोबारा जाके पूरा सर्टिफिकेट बनवाना ये काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाएगा सो so, यहां पर अगर हम पुराना लॉ अप्लाई करते तो वो तो एमई ही नहीं था लेकिन इस दफा जो अदालत ने डेफिनेशन दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ये बड़ी वाइड डेफिनेशन है दर हकीकत वो कहती है कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लिखा ऑल ट्रेडिंग रूल्स इनैक्टेड बाय मेंबर स्टेट्स विच आर केपेबल तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज जो इस्त, इस्तदात रखती है ऑफ वॉट हिंडरिंग रुकावट पैदा करने की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्चुअली और पोटेंशली इंट्रा ई यू ट्रेड यानी ऐसे तमाम रूल्स ऐसे तमाम मेजर्स जो कि इस चीज़ को इस चीज़ की ताकत रखते हैं कि वो रुकावट पैदा कर सकते हैं अच्छा और वो एक्चुअल हो या कर सकते हो पोटेंशियल हो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो इंट्रा कम्युनिटी ट्रेड को जो चीज़ रोक रही है वो एम ई क्यू आर होगी इतनी ज़्यादा वाइड डेफिनेशन कोर्ट ने इसको दे दी कि वो मेजर्स भी इसमें पकड़े जा रहे थे जो कि इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्रिएट कर रहे थे लेकिन देर वॉज अ चांस कि उसमें रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाए सो बिकॉज यहाँ पर जो इसका जो क्रक्स है इस डेफिनेशन का वो पोटेंशियल हिंड्रेंस को भी कवर कर रहा था तो इसमें बहुत सी रूल्स जो थे वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू आर्टिकल 34 बन जाते थे नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर इस केस के दौरान कोई चीज़ एमी क्यू आर बनती थी यानी वो रिकावट होती थी हिंड्रेंस होती थी तो कुड इट बी जस्टिफाइड द आंसर वॉज यस कोर्स इट कैन बी जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 36 सिक्स टी एफ ई वो तो आर्टिकल हमारे पास ट्रीटी आर्टिकल मौजूद है वो तो क्यू आरस को भी जस्टिफाई कर सकता है लिटल ऑन एमी क्यू आर्स तो अभी तक हमारे पास वो जस्टिफिकेशन वो छह लिमिटेड ग्राउंड्स थे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स पे खोल के दिखाया जिसमें पब्लिक पॉलिसी पब्लिक सिक्योरिटी पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल प्लांट और आर्टिस्टिक uh, वैल्यू वाली चीज़ें वो चीज़ें बहुत लिमिटेड डेरेगेशंस थी अच्छा अब इस केस की जो आपको एप्लीकेशन है दैट वॉज डन इन द बाय आयरिश केस यहाँ पे आयरिश गवर्नमेंट ने एक मार्केटिंग कैंपेन मेरे लिए रन की थी जिसके अंदर देवर प्रमोटिंग टू बाय आयरिश प्रोडक्ट्स अलबत् जब इस केस को इम्पोर्टर्स ने चैलेंज किया कि जी ये जो मार्केटिंग कैंपेन है दैट वुल क्वालिफाई एज एम ई क्यू आर अंडर दफिनेशन प्रोवाइडेड बाई द डॉसिन वेली केस द कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल ये इट वुड बी अब नाउ द आर्ग्यूमेंट दैट आयरिश गवर्नमेंट हैड वर्ल्स के जी इससे अभी तक कोई ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट तो आया नहीं है कोई ट्रेड में कमी तो आई नहीं है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जितने पहले सेल होते थे आज भी उतने सेल हो रहे हैं लेकिन अदालत ने कहा नहीं बिकॉज डॉसन वेली की डेफिनेशन के अंदर हिंड्रेंस का लफ्स भी इस्तेमाल हुआ है और वो भी है केपेबल ऑफ हिंड्रेंस पोटेंशली आप ये जो पोटेंशली लफ्स है इसके अंदर आप जो है प्रस्पेक्टिव में एक चीज़ को यू नो इलीगल कर सकते हो यानी अभी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल में कमी हुई है हो सकती तो थीरा इस हो सकती की बुनियाद पर उन्होंने उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया और कहा कि वो एम है अनलेस इट कुड बी जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल थर्टी सिक्स सच वुड बी प्रोहिबिटेड तो हम इस केस को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि दैट के अस अ वेरी वाइड डेफिनेशन ऑफ द एम ई क्यू आर विद वेरी लिमिटेड रूम फॉर द स्टेट्स टू जस्टिफाई देयर मईर्स तो हमारे पास वही छः ग्राउंड्स थे जो आर्टिकल 36 के अंदर दिए गए हैं नाउ द नेक्स्ट केस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस वॉज एन अटैम्प्ट जहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोशिश की है कि वो uh, नैरो कर सकें स्कोप ऑफ एम ई क्यू आर को लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली वो नैरो कर नहीं पाए उन्होंने बल्कि और उसको एक्सटेंड कर दिया और वाइड कर दिया मैं तो ये कहता हूँ कि अदालत ने इस फैसले को करने से बेसिकली फ्लड गेट ओपन कर दिए अब इस केस का नाम वैसे तो रवि जेंट्रल ए और बड़ा मुश्किल सा नाम है बट जो आप इसको एज uh, इस केस को रिफ़र कर सकते हो दैट इज़ सिंपली कसीस कसीस टी जॉन ना आपने ये जहन में रखना है कि ये जो इसका नाम है दैट इज़ कमिंग फ्राम दिस ड्रिंक जो जिसके जो इससे फैक्ट्स से रिलेटेड थी अब इसमें फैक्ट्स ये थे कि देर वॉज अ देर अ There was a company that was based in France, and they were exporting and, and uh, import uh, related. Yes, Germany में ye import हो particular drink जो आपको screen के ऊपर and that was called Cassis Tijon. If you can see here, drink import ho tha in Germany, this was a basically a special kind of wine that was made from black currant. it's from France. तो ये फ्रेंच प्रोडक्ट था जो कि जर्मनी में इंपोर्ट हो रहा था और जर्मनी ने एक रूल लगाया हुआ था कि जी आप जो भी बंदा यहां पर फ्रूट लिकर सेल करेगा उसकी जो अल्कोहल परसेंटेज होनी चाहिए दैट शुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट वेयर एज दिस ड्रिंक हैड अ स्ट्रेंथ बिटवीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट विच वॉज लेस देन वट वॉज रिक्वायर्ड नाउ तो so, ऑटोमेटिकली ये कंप्लाई नहीं कर रहा था अब आपको जो चीज़ें जहन में रखनी है पहली बात जो मैंने लफ्जों को बड़ा केयरफुली यूज़ किया है और स्लो इसीलिए मैं बोला हूँ कि यहाँ पर रूल ये था कि तमाम जो फ्रूट लेकर है यानी ये फ़र्क नहीं कर रही कि ये इंपोर्टेड है प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो फ्रूट लेकर सेल हो रही है उसका जो एल्कोहल परसेंटेज होना चाहिए वो 25 परसेंट होना चाहिए अब इसका कितना था इसका 15 से 20 था यानी इसका रिक्वायर्ड से कम था तो ये जो ब्लैक करंट की लिकर थी स्पेशल वाली इस ये क्वालिफाई नहीं कर पाई इस वजह से एंड इट हैड टू बी चेंज्ड तो अब इसके ऊपर अदालत के पास एक ऑप्शन तो ये थी कि वो उस हिंड्रेंस वाली जो डॉसन वैली ने डेफिनेशन प्रोवाइड की थी उसकी तरफ चला जाता अदालत ने दर हकीकत इस केस में तीन नए रूल्स बनाए सबसे पहले तो उन्होंने एक्सप्रेसली जो है वो लफ्स जो हमने आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री में पढ़े थे ऑफ द डायरेक्टिव सेवेंटी स्लैश फिफ्टी उनको यहां पर इनकॉर्पोरेट किया अदालत कहती है कि तमाम डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल और इनडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मयर्स दोनों तो एम पहले क्या था कि हमारे पास डायरेक्टिव के अंदर सिर्फ डिस्टिंक्टली मयर्स जो यानी जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी वो जो थी वो एम e. थी अब कहा गया है कि बेशक आप डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करें या आप इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करें दोनों सूरतों के अंदर दोनों सिचुएशंस के अंदर जो मैयर है वो मना होगा सो बी ए डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनडायरेक्ट ये तो एक बात हो गई तो ये एक पहली दफ़ा एक्सप्रेसली ये लफ्स जो हमने ओरिजिनली डायरेक्टिव के अंदर देखे थे आ, सेवेंटी स्लैश फिफ्टी के अंदर वो यहां पर आपको इस्तेमाल होते नजर आ रहे हैं बट उन्होंने कहा कि देखें हम ये मानते हैं कि डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत बुरी चीज है लेकिन जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो है तो मना इस दफा अब दोनों एमई हैं, बोथ आर नाउ एम लेकिन हम उसकी एक जस्टिफिकेशन एडिशनल क्रिएट करते हैं सो so, उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ जो डेरोगेशन क्रिएट रखी जो पहले भी थी दैट वाज ओनली अवेलेबल इन आर्टिकल 36 लेकिन जो इनडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मयर्स थे जो सारों के ऊपर अप्लाई हो रहे थे जो इस केस में भी था और डॉसिन वैली के अंदर भी था जो सारों के ऊपर अपलाई हो रहे थे देवर नाव कॉल्ड एज इनडिस्टिंगली एप्लीकेबल मयर्स वो मयर्स या तो आप आर्टिकल 36 में जस्टिफाई कर सकते थे लेकिन इसके साथ एक इन्होंने नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी बना दी जस्टिफिकेशन की दैट इज नोन एज कसीस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स यानी एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें कोई कंट्री भी कोई लॉजिक भी लेके आ सकता है इसको आपने जहन में रखना है कि इसको रूल ऑफ रीजन अप्रोच भी कहा जाता है रूल ऑफ रीजन अप्रोच तो यानी एक रीज़न होना चाहिए कि आपके पास प्लाजिबल रीजन होना चाहिए कि आपने ये लॉ क्यों बनाया आपने ये रूल क्यों बनाया It could be environmental protection, it could be consumer protection, it could be protection of fundamental human rights, whatever it is. The main crux is that you have a logic. important principle, although that was known as the principle of mutual recognition, that is, that the good, if lawfully produced and marketed in one member state, it should be able to freely market in all member states. If lawfully bani hai, obviously it will be subject to um, the limitations of whether. इट कैन बी जस्टिफाइड और नॉट अगर किसी कंट्री ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है इवन इफ दर इज़ द प्रिसिपल ऑफ म्यूचुअल रिकोगनीशन ज़ाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई लॉजिक तो होगा उसको रोकने के लिए और अगर वो लॉजिक किसी स्टमेंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है तो देन इट विल भी जस्टिफाइड हाँ ऑटोमेटिकली आर्टिकल थर्टी सिक्स तो अपनी जगह पर मौजूद है वो आप आर्टिकल 36 जो है वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनडायरेक्ट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो बट जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ इनडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मेजर्स के लिए यूज हो सकती हैं uh, उसके अलावा पर्सनैलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि um, हम थ्रू आउट यू आ, उसमें देखते हैं एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं वो यहाँ पर भी हमें नज़र आएगा कि प्रपोश इवन अगर कोई मैयर जो है आपका आर्टिकल थर्टी सिक्स में या किसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में जस्टिफाई भी होता है तो उसको भी हम ये देखते हैं कि आया वो प्रपोशनेट है कि नहीं है सो so, ये बेसिकली जो तीन रूल्स बनाए यानी सबसे पहले कि डिस्टिंक्टली और इनडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल दोनों मना है और अगर इनडिस्टिंक्टली होगा तो उसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स भी जस्टिफाई कर सकती हैं अलॉन्ग विद आर्टिकल 36 और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिकग्निशन यानी एक गुड लॉफुल अगर प्रोड्यूस हुई है किसी भी स्टेट में तो वो मार्केट भी हो सकती है हर मेंबर स्टेट में और सेल भी हो सकती है और फिर प्रोपोशनैलिटी को भी देखा जाएगा सो so, ये तीन चार रूल्स जो हैं बेसिकली इस इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस के अंदर क्रिएट किए गए नाउ अगेन मैंने यहां पर जो है वो जजमेंट के अंदर से रूल ऑफ रीजन अप्रोच का जिक्र किया है और ये वो पैरा एट है जो कि बेसिकली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को बता रहे हैं सो तो आपने जो बात जहन में रखनी है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड के आर नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ मेयर्स तो इसमें कोई भी नया मेयर इनोवेट आप कर सकते हो अगर आपको जहन में खुद से कोई पॉइंट आता है इन्हना प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहे हैं आप अभी प्रैक्टिकल तो नहीं देख रहे आप तो थ्योरी थियो, के अंदर इन चीज़ों को देख रहे हो तो आप तो फिक्शनल क्वेश्चन कर रहे हो गए सो तो अगर आपके जहन में कोई लॉजिक आता है यूर एडवाइजिंग योर क्लाइंट और यूर एडवाइजिंग बेसिकली अ स्टेट तो आप उसके मुताबिक उस चीज़ को भी लिख सकते हो नाउ अगेन रूल ऑफ रीजन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पैरा एट ऑफ द जजमेंट ऑफ जॉन के अंदर दिया गया है एज यू रीड दिस आपको उसके पॉइंट समझ आ जाएगा ना आई वो ऑलरेडी स्टेटेड कि ये एक नॉन इज एग्जॉस्टिव लिस्ट है अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर एफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल सुपरविजन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ फेयरनेस ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन और इसके आगे, आगे आप केसेज भी देख रहे हो ना दिज आर वेरी स्पेशल केसेज जो कि आपको यूएल गाइड के अंदर शायद ना मिलें तो यू कैन यू नो कापी दीज केसेज फ्राम हियर डिफेंसिस फॉर कंज्यूमर और सिंपली कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फॉर एन्वायरमेंट Uh, Commission versus Denmark, Commission versus Austria, um, Austria <laughs> <with> Highway A twelve case protection of working conditions. So a very interesting one. Um, protection of cinema as a form of cultural expression, protection of national or regional socio cultural characteristics, maintenance of press or diversity, preventing the risk of seriously undermining financial balance of the social security system and protection of fundamental these are some of the examples. As I said, the, the 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 list can go on. I mean, if I talk about the Commission versus uh, Italy Italian Mopad case, so uske under jo, jo 2009 ka case hai, to um, mandatory requirement ki jo, uh, use gaya tha, that was protection or uh, road safety, protection of the riders and the road safety uh, with regards to the other motorists. So. वहां एक बिल्कुल रोड सेफ्टी एक नया ग्राउंड था जो कि पहले आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो इट्स ग्रोथ बाय एनालॉजी अप्रोच एज वेल ना म्यूचुअल रिकग्निशन का भी पैरा 15 के अंदर जो पॉइंट है वो यहां पर एक्सप्लेन हुआ हुआ है इट इज देर फॉर एपियर दैटियन आर्ट्रल रिक्वायरमेंट इंपोज बाय रूल्स ऑफ द मेबर स्टेट ऑफ अ मिनिमम एल्होहल कॉन्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द सेल ऑफ एल्कोहल बेवरेजेज कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑब्सिकल To trade which is incompatible with the provisions of Article 34. There is therefore no valid reasons why, provided that they have been lawfully produced and marketed in one of the member states, alcoholic beverages shouldn't be introduced to, into any other member states. So uh general rule, hai, jo explain that a good which is lawfully produced in one member state, it can be sold and marketed throughout all the member states. So this is the idea of mutual recognition, which is you know identified in para number 15 of the judgment. सो वन आज द मेजर इशू वॉज दैट जब ये किसी इसका केस आया अब हमने देखा कि डॉसन वैली की जो वाइड डेफिनेशन थी उसको नैरो करना था उसको uh, थोड़ा सा लिमिट करना था पोटेंशल हिंड्रेंसेस को कम करने के लिए वो जो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया उसके लिए दरहीकत किसी इसका जो पूरी जजमेंट थी वो उसका पर्पज़ था बट क्या वाकई उसने एम ई क्यू आर की डेफिनेशन को लिमिट किया या मेरे मुताबिक तो दर हकीकत वाइड कर दिया बिकॉज अब कोई भी मुल्क इनडिस्टिंगली एप्लीकेबल मैयर लगाएगा तो दे विल हैव अ लॉजिक और एक नेवर एंडिंग लिटिगेशन चलती रहेगी और बहुत ज्यादा चली वर हंड्रेड्स ऑफ केसेस कमिंग विद रिगार्ड्स टू अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कंट्री इज ट्राइंग टू जस्टिफाई इट्स मैर विद So eventually, we saw uh, that some of the issues in Sunday trading cases. This is a Stork on Trent uh, and B N Q uh, case, which under basically a identify ki problem that we need to limit the scope of this M E Q R within Article Thirty Four. So this new formula they, that they were looking, the E C J, that came in the case of Keck criminal proceedings against Keck. So,, uh, the facts of this case was that there was a French law or French regulation that was prohibiting resale at loss. What might be the rationale for this regulation was per perhaps to protect um, the smaller customers because you large stores queper a prohibition thi. कि कोई भी लार्ज स्टोर जो है वो बिलो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर सकता इसका हम ये भी कह सकते हैं कि टू प्रमोट हेल्थी कॉम्पिटिशन दिस वॉज असेंशियल और नेसेसरी तो ये बेसिकली एक फ्रांस ने रूल बनाया हुआ था आमतौर पर तो दिस वॉज एन इंडस्टिटली एप्लीकेबल मेयर एंड इट कुड बी सिंपली जस्टिफाइड अंडर किस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन और प्रमोटिंग ऑफ कॉम्पिटिशन बट अदालत ने इस केस में एक नया फार्मूला प्रेजेंट किया अदालत ने बेसिकली ये कहा के कॉन्ट्री टू वट हैज बीन प्रीवियसली डिसाइडेड इससे पहले जो बात भी डिसाइड हो चुकी है उसके बरक्स अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कहते हैं सर्टन सेलिंग अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड दैट दे अप्लाई टू ऑल रेलिवेंट ट्रेडर्स इन नेशनल टेरिटरी एंड इन फैक्ट इन द सेम वे इन लॉ एंड इन फैक्ट द मार्केटिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड दो फ्रॉम द अदर मेंबर स्टेट्स एट पैरा सिक्सटीन पैरा सिक्सटीन ऑफ द कैक जजमेंट बेसिकली एक्सक्लूड कर रहा है उन सर्टन सेलिंग अरेंजमेंट्स को जो कि बेसिकली एम क्यूआर्ड ही नहीं कंसिडर की जाएंगी अब द आइडिया वॉज दैट दिस केस डिवाइडेड एम इ्यूआर विच आर इनडिस्टिंकटली एप्लीकेबल बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ मयर्स तो उन्होंने कहा कि कंट्रीज जो हैं वो इन दोनों में से कोई एक टाइप का मैयर नॉर्मली लगाते हैं बिशरते कि वो इनडिस्टिंगटली एप्लीकेबल मैयर अप्लाई कर रहे हूँ सो so, उन्होंने कहा कि मयर्स को हम अब आपने एक बात जहन में रखनी है ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आई डी ए एम्स बिकॉज कैक की एप्लीकेशन हो ही सिर्फ आई डी ए एम पे रही है यानी इनडिस्टिंगली एप्लीकेबल मैयर याद रखिएगा कि अगर आपके पास डिस्टिकली एप्लीकेबल मैयर है तो उसमें तो आपने किसी के अंदर मैक्सिमम जाना है और आपने देखना है रुकावट है और रुकावट तो बिल्कुल है तो फिर आपके पास जो टेरोगेशन है दैट इज मेयरली टू आर्टिकल थर्टी सिक्स तो ये जो अटेम्प्ट की गई थी दैट वाज टू नैरो डाउन द स्कोप ऑफ आई तो आई क्योंकि इतनी बुरी चीज नहीं है क्योंकि एक ऐसा रूल है जो सारों के ऊपर अप्लाई हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड डोमेस्टिक और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लाइक वाइज हो रहा है फायर वाले के लिए वो कुछ मुश्किल पैदा कर रहा है इस पे उन्होंने इसको फर्दर कह दिया कि भाई ये आई जो हैं या ये सेलिंग अरेंजमेंट्स हैं या ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं अब ये जो बात की जा रही है कि जी ये क्या चीज है आपने जहन में रखना है कि सेलिंग अरेन्जमेंट्स वर कंसिडर्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल थर्टी फोर एज पर द पैरा नंबर सिक्सटीन ऑफ द कै जजमेंट अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट वर स्टिल एम ई क्यू आर तो अभी भी ये चीज जो है ये एमई क्यू आर ही है और ये मना है बट सेलिंग अरेंजमेंट हेल्ड नॉट टू बी तो तो ये तो, उसको तो एक एक्सक्लूजन मिल गई कि भाई ये चीज़ एक ही नहीं है सो so, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन सेलिंग अरेंजमेंट का जो सवाल है वो कोई भी ऐसा रूल जो कि इन चीजों से डील कर रहा है। वेयर व्हेन एंड हाउ द गुड इज टू बी सोल्ड कहां कैसे किस तरह भाई आप ऑनलाइन चीज को नहीं सेल कर सकते सेलिंग अरेंजमेंट आप इसको मार्केट फला जगह पर नहीं कर सकते आप इसके बिलबोर्ड नहीं लगा सकते सेलिंग अरेंजमेंट आप इसको सर्टिफिकेट uh, के साथ आपने भेजना है सेलिंग अरेंजमेंट ऐसी सेलिंग अरेंजमेंट्स अब एमिक्यू आर -E ही नहीं थी बशर्ते कि वो एप्लीकेबल थी तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड अगर डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मैयर में सेलिंग अरेंजमेंट होगी तो कैक वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट दीज आर नॉट एमिक्यू आर इफ अप्लाई टू एनी वन एवरी वन इन द मार्केट हाउ एवर इवन डायरेक्ट डिस्क्रमिनेशन वॉज स्टिल कंसिड एमीक्यूर जो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया इवन इफ इट्स अ सेलिंग अरेंजमेंट ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो कि अब भी एक एम क्यू आर माना जाता था यानी कि अगर कोई इनडिटिंक्टली एप्लीकेबल मैयर लगाता था तो सिर्फ एक चीज मना थी दैट वॉज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है इफ इन ऑर्डर टू कम्पलाई विद द रूल द इम्पोटर हैज़ टू मेक एनी फिजिकल ऑल्ट्रेसन टू द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल बाई चेंजिंग द इग्रीडियंट्स पैकेजिंग और लेबलिंग इफ सो दैन इट्स अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट सो बड़ा क्लियर है कि सेलिंग अरेंजमेंट क्या है कि कहां बेचना है किस तरह बेचना है और कैसे बेचना है वेयर एंड हाउ ये रूल ऑफ थंब है कि किस तरह बेचना है कहां बेचना है किस फॉर्म में सेल हो सकती है ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो सेलिंग अरेंजमेंट्स हैं अगर कोई रूल इन चीजों के ऊपर बात कर रहा है तो और वो इंडिस्टिंगली एप्लीकेबल है तो वो एम ही नहीं है जैसे आपको ऊपर यहां पर नजर आ रहा है अगर कोई रूल जो है वो ये कह रहा है कि आपने प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल ऑल्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड होगी तो देन इवन इफ इट्स इन एप्लीकेबल तो वो एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है अब मैं इस पॉइंट को फर्दर आपको थोड़ा सा से एक्सप्लेन करता हूं अगर हम पिछली स्लाइड्स पे चले जाते हैं सो uh, so यहां पर हम जरा कसीस के फैक्ट्स देखते हैं वापस आई एम गोइंग वे बैक ऑन माय स्लाइड्स तो हमने देखा कि कसीस की जो फैक्ट्स थे दे फोकस्ड ऑन चेंज ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज इसमें एल्कोहल की परसेंटेज को चेंज करना था एंड वॉज एन इनडिस्टिंग एप्लीकेबल मैर बिकॉज इसके अंदर रूल सारों के लिए अक्रॉस द बोर्ड सेम था कि जिसने भी अब फ्रूट लेकर सेल करती हैं उसकी परसेंटेज 25% परसेंट होनी चाहिए इस क्योंकि ये बाहर से आ रहा था इनको नहीं पता था इस रूल का इनकी परसेंटेज कम थी अब इसको अगर एक्सेप्टेबल बनाना है तो इनको फिजिकल ऑल्ट्रेशन चाहिए और ये इवन क के टाइम पर भी ये एक चीज एक एमए होगी लेकिन अगर हम डॉसन वैली की बात करें जो केस हमने पहले पढ़ा था जो पहला केस था तो वहां पे एक सर्टिफिकेट चाहिए था और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए था कि कहाँ का प्रोडक्ट बना हुआ है टू सेल विस्की तो उसको अदालत ने कहा कि नहीं दैट इज नॉट बेसिकली दैट वुड नॉट क्वालिफाई एज नाउ अंडर कैक लॉ एज एन एम ई क्यू आर बिकॉज इट विल भी फॉलिंग अंडर सेलिंग अरेंजमेंट ये वेयर वैन एंड हाउ के सवाल के साथ है तो इसमें कोई फिजिकल ऑल्ट्रेशन नहीं चाहिए प्रोडक्ट के उसके लिए दरअसल एक सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है जो कि शायद उसके अलावा है यानी फिजिकली ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को हाँ अगर वो कहते हैं कि जी बॉटल के ऊपर प्रिंट करवा के लाएँ देन ऑटोमेटिकली इट विल बी आर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बिकॉज उसके लिए फिजिकल ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी तो आपने देखा कि एक चीज़ इस दो, अच्छा और दोनों केसेस में डॉसन भी इंडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल था और कसीस भी इंडिस्टिंक्टली एप्लीकेबल था अब दोनों के अंदर हमने देखा कि कसीस प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट था आज के टाइम पर कैक के, के मुताबिक अगर हम कैक को अप्लाई करें तो कसीस वुड वुड बी एन क्यू आर वेयर एज डॉसन वेली वुड नॉट इवन बी एन नमी क्यू आर तो उसको तो जस्टिफिकेशन ही नहीं चाहिए सो so, इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होता है कि लॉ वेरी मच नैरोउन अब एक बहुत ही नैरो सी सिचुएशन हमारे सामने पैदा हो जाती है जिसमें हमने एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऑफ एमी क्यू आर्स को एक्सक्लूड कर दिया लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि इसी जजमेंट का पैरा सेवनटीन इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहा था जो कि आगे हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी अब देर आर सम्पल्स जो मैंने यहाँ पे आपको केसेस uh, के थ्रू प्रोवाइड uh, की हैं रूल्स For advertising of products in pharmacies, um, uh, restriction on where a baby milk powder can be sold. Clinic ka case hai. Um, Consider the case of Handle uh, versus Mars. To isko Joe wrapper printing tea that was uh, within the product itself. So therefore, it was called, uh, called as a product requirement. So this is a Press ka ek bada important case hai that concerned unfair competition, which prohibited offering a large cash prizes for competitions in magazines. Phenomena Press, a publisher of the newspaper in Austria brought proceedings against German publisher, uh, held not to be a selling arrangement because it's my physical alteration required. Thi. So now the problems with the Keck, so there's a lot of academic criticism that Keck actually faced. And that was that you have to a uh, lack कफ clarity as to whether द प्रीवियस cases वुड apply. सो so, एक तो ये भी बड़ा मसला था बिकॉज आपने लैंग्वेज देखी थी it stated दैट contrary to what हैज़ बीन प्रीवियसली सेड इससे पहले जो भी बात हो गई है अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि आया इससे पिछले तमाम केसेज जो हैं ओवर रूल हो चुके हैं डॉसिन वैली ख़त्म हो गया है हेंड्रेंस को अब नहीं देखा जाएगा सो दैट वॉज वन थिंग इसके अलावा टू मच एम्फेसिस ऑन फैक्चुअल एंड लीगल इक्वालिटी एट द एक्सपेंस ऑफ मार्केट एक्सेस तो एक बहुत ही बड़ा फैक्चुअल किस्म का क्वेश्चन हो गया कि क्या आया अब इसको हर केस में कोर्ट को देखना पड़ेगा कि इसमें असेसमेंट में क्या फैक्चुअल फैक्चुअली um, uh, क्या एक प्रोडक्ट को ऑल्ट करना पड़ रहा है या एक सेलिंग अरेंजमेंट है तो ये इस वजह से एक हाई बर्डन था डी रेगुलेटरी इफेक्ट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स वाइड इंटरप्रटेशन ऑफ एमिक्यू आर रीन फोर्सिस दिस इफेक्ट इज इज गुड थिंग आई डोंट थिंक सो एंड देर वी वुड सी दैट इन फ्यूचर केसेज देर इज अ रिफाइनमेंट ऑफ कैक एंड दिस रिफाइनमेंट एज सम पीपल आर्ग्यू इज वेटी मच एंड ओवर रूलिंग ऑफ कैक बट आई थिंक देर आर रिसेंट केसे विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू जहाँ पर हम देखेंगे कि इवन आज के दौर में भी दो हज़ार सोलह के बाद दो हज़ार सत्रह में भी अदालत कैक को फिर भी रेलिवेंट समझती है हालांकि एक बिल्कुल नया लॉ बन चुका है द फर्स्ट केस जिसके अंदर बेसिकली uh, ये बात की गई थी दॉज इन द जी एम बी एच केस यहाँ पर एक रूल था कि ग्रोसरी आइटम्स एज बेकर्स बुचर्स ग्रोसर्स वर सपोज टू जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट भी होनी चाहिए उस नियर बाई विसिनिटी में दिस क्लियरली डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल आल्ट्रेशन दिस वुड बी अ सेलिंग अरेंजमेंट अंडर कैक जजमेंट और पैरा सिक्सटीन कहेगा कि जनाब ये तो एक सेलिंग अरेंजमेंट है देयर फॉर इट्स नॉट इवन एन एम ई क्यू आर

The court held that the rule did not apply equally in law and in fact basically indistinctly applicable as it impeded the access to market of the member states of the importation for the products स्टेट्स मोर देन इफ इम्पीड एक्सेस टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बाहर वाले के लिए ज्यादा मुश्किल है बिकॉज लोकल बंदे की तो इस्टेब्लिशमेंट uh, कोई ना कोई होगी वहाँ पर कोई दुकान होगी कोई वेयर हाउस होगा लेकिन जो बाहर से अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो डोर टू डोर सर्विस देना चाह रहे हैं वो उस वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो एक्सेस टू मार्केट का क्या मतलब होता है बेसिकली मार्केट तक रसाई मुश्किल बनाई जा रही है सो दिस वॉज द वर्ड इम्पीडिंग एक्सेस टू मार्केट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे लिए और ये जो एक्सेस टू मार्केट टेस्ट है ये फिर बाद में गोवेंट इंटरनेशनल केस के अंदर भी दिया गया जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड एक पॉइंट था कि जी आप एल्कोहल की मार्केटिंग से पॉइंट ऑफ सेल पे कर सकते हैं वेयर एज इस मैगजीन ने मैगजीन के अंदर इस चीज़ को पब्लिश कर दिया था दैट वॉज हेल्ड टू बी बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड regulation, दी रेगुलेशन बट द क्वेश्चन वुड कि क्या ये एक सेलिंग अरेंजमेंट है अंडर द कैक लॉ इट वुमेंट बट अंडर दिस रीसेंट लॉ इट वुड नाउ बी क्वालिफाइड एज अक्सेस टू मार्केट टेस्ट एंड उसमें के मुताबिक जो मार्केट तक रसाई है वो मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसी आप uh, जो है वो एडवर्टिजमेंट सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर रखें देयर फॉर इट वुड बी एम ई क्यू आर नाउ इट कुड बी जस्टिफाइड अंडर बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन डिस्टिंगली एप्लीकेबल माईअ सो एक बात मैं यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ इवन इन द केक टेस्ट अगर uh, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट था जो कि मना थी आर्टिकल थर्टी फोर के मुताबिक तो वो आर्टिकल थर्टी सिक्स से भी जस्टिफाई हो सकती थी और इसी के साथ साथ जो किसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर भी जस्टिफाई हो सकती थी और उसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो मार्स बार्स केस है जो मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर भी कवर किया था जिसके अंदर रैपर के ऊपर जो था वो प्रिंटिंग हुई हुई थी जिसके लिए फ़िजिकल ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी लेकिन वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एक जस्टिफाइड ग्राउंड के तौर पर यूज़ किया गया जहन में रखिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ग्राउंड है दैट इज़ विद म्यूचुअल सॉरी म्यूचुअल कह रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो वो तो कसीस का ग्राउंड है दैट वॉज नेवर पार्ट ऑफ आर्टिकल थर्टी Uh, इसी तरह डी ऑगस्टीनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि ये रीसेंट टेस्ट एक्सेस टू मार्केट टेस्ट जो कि पैरा सेवनटीन ऑफ जजमेंट के अंदर कैक में दिया गया था उसको री इंस्टेट कर रहा है और फिर इसी तरह मैंने एक और केस भी डाला है सो डज द नेशनल रूल बेसिकली अब ये मार्केट टू एक्सेस टेस्ट जो इस वक्त लेटेस्ट टेस्ट है उसके रिलेटेड है डज द नेशनल रूल प्रिवेंट और हिंड मार्केट एक्सेस वट स्टैंड इन द क्लेमेंट्स वे वाइल दे अटेम्प्ट टू पेनीट्रेट द मार्केट

क्या जजमेंट की वो कहते हैं प्रोवाइडेड एट दीज कंडीशन आर फुलफिल्ड द एप्लीकेशन ऑफ सच रूल्स टू स्केल ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम अन अदर मेम्बर स्टेट मीटिंग द रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय द स्टेट इज नॉट द नेचर सच टू प्रवेंट देयर एक्सेस टू मार्केट और इम्पीड एक्सेस एनी मोर दैन इट इम्पीड्स एक्सेस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट सच रूल्स देयर फोर्स फॉल आउट द स्कोप आर्टिकल थर्टी फोर सो जो जो एक्सेस टू मार्केट का जो रूल था या जो वर्डिंग्स थी ये एक्चुअली ये नई नहीं, नहीं दी गई ये किसी केस ने खुद से इनिशिएट नहीं की वर एक्चुअली गिवन इन द जजमेंट और इसी को आगे उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ये जो एक्सेस टू मार्केट टेस्ट है इन द लेटर एंड ये इस वक्त का लेटेस्ट टेस्ट बन चुका है व्हेन असेसिंग नाउ अब ऑब्वियसली ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वुड यू डिस्कस

डिस्कस आप रूल्स के अंदर सारे लॉज को डिस्कस जरूर करोगे आपने मेंशन करना है ब्रीफली लेकिन जब आप एप्लीकेशन पे आओगे तो आपने दो केसेस को बिलखसूस अप्लाई करना है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इन एप्लीकेबल मेयर वो आपने आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन के अंदर एंड दैट टू केसेज आर कैक तो आप इस डाइकोटमी में ज़रूर जाओगे कि वेदर द रूल इज़ अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और अ सेलिंग अरेंजमेंट और फिर आप उसके बाद बताओगे कि एक्सेस टू मार्केट टेस्ट उसको कैसे इंपैक्ट करेगा और वो बिकॉज वो लेटेस्ट टेस्ट है तो वो तो आपका फाइनल डेफिनेशन होगी अब इसको इसके बाद जो हम एंड ऑफ केक कहते हैं उसके अंदर हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं सबसे पहले हमारे पास कमीशन वर्सेस इटली मोपैड केस है और ये भी ज़्यादा जहन में रखें एंड ऑफ केक ये क्वेश्चन मार्क है इट डज़ नॉट मीन दैट द केक हैज़ फिनिश्ड सो ये एक लिटरली एक आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट है इट वॉज़ एनी अदर वेर हेंडरिंग एक्सेस टू मार्केट ऑफ दी अदर मेम्बर स्टेट तो इस केस के अंदर वो मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मोपैड्स होते हैं बाइक्स के साथ हैवी बाइक्स के साथ उनके ऊपर प्रोहबिशन थी ट्रेलर्स की टोइंग के ऊपर प्रोहबिशन थी विद बाइक्स की जी वो आप हाईवे पर नहीं लेके जा सकते दैट वॉज हेल्प टू बी इम्पीडिंग एक्सेस टू मार्केट ऑल्डो के वो बैक इन टाइम अंडर कैक इट वुड है सेलिंग अरेंजमेंट बट नाउ सिंस द न्यू टेस्ट इट इज़ इम्पीडिंग द एक्सेस टू मार्केट मार्केट तक रिसाई मुश्किल के अदा कर रहे हैं बट इट वॉज जस्टिफाइड ऑन द प्रीटेक्सट ऑफ रोड सेफ्टी जो कि कसीस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की ही लॉ है इसी तरह माइकलसन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये भी दो हज़ार नौ का केस है कुछ रिसेंट डिवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं स्कॉच विस्की का केस है इंपॉर्टेंट है दो का पार्किनसन का केस है अगेन आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये दोनों केसेस जो हैं एक्चुअली ये तीनों केसेस ये तीनों केसेस एक्सेस टू मार्केट टेस्ट को ही क्रिएट कर रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं अल्बत्ता ये जो केस है दिस इज दी ओनली केस जो कि आप इसकी रियर देख रहे हो जो कि के कैक को और केक की जो डिस्टिंगशन थी कि सेलिंग अरेंजमेंट्स नॉट एम्यू आर इसको फॉलो कर रहा है so सो ये वाहिद केस है जो कि इस अप्रोच को स्टिल फॉलो कर रहा है नाउ द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेजोरिटी ऑफ द केसेस फोकस ऑन द एक्सेस टू मार्केट टेस्ट दिस इज पर ओनली अथॉरिटी एंड यही वो वजह है कि जिससे मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड के ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि वेन यू आर अपलाइंग द लॉ ऑन टू योर फैक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम क्वेश्चन तो यू हैव टू एटलीस्ट अप्लाई कैक एंड पोस्ट कैक लॉ एंड ऑल दीज रिस केसेज जिसमें कॉलोराइड uh, का केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जाहिर सी बात है इसने केक को इंडोर्स किया है जिससे हमें यह क्लियरली शो होता है कि कैक अभी तक ओवर रूल नहीं हुआ ख़त्म नहीं हुआ बट उसकी सिग्निफिकेंस कम होती जा रही है बिकॉज कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ज़्यादा फेवर करिए एक्सेस टू मार्केट टेस्ट को अब हम आगे चलते हैं जस्टिफिकेशन और डेरीगेशन्स जो गाइड बुक है उसमें तो शुरू के अंदर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ था जहां पर वो डॉसन वैली का केस प्रोवाइड करते हैं लेकिन मैंने इसको अपनी स्लाइड के एंड पर रखा है तो कुछ डेरीगेशन्स के बारे में बेसिक बातें आपने जेन में रखनी है कि आर्टिकल 36 की जो डेरीगेशनस हैं वो क्यू आर एमी क्यू दोनों के लिए जस्टिफाइड होती हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट एमी तो बेशक वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो तो आर्टिकल 36 तो जस्टिफाई कर सकता है सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड बट जब हम इन एप्लीकेबल मई की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शन ज़्यादा खुल जाती हैं तो उसमें हमारे पास आर्टिकल थर्टी एंड और कसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स की गुंजाइश क्रिएट हो जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्टली एप्लीकेबल मैयर वो सिर्फ आर्टिकल 36 सिक्स जस्टिफाई कर सकते हैं बिकॉज वो ट्री आर्टिकल है और इनडिस्टिंगली एप्लीकेबल मेजर्स जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो दोनों तरह के आ, चीज़ें जस्टिफाई कर सकती हैं वो आर्टिकल थर्टी सिक्स के क्राउंड भी जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर उसके साथ किसी इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी वो जस्टिफाई हो सकते हैं जो कि नॉन एग्जॉस्टिवलेस है अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जिसमें सबसे पहली एग्जाम्पल ऑब्वियसली पब्लिक मोरलिटी की है कुछ इंपॉर्टेंट केसेज़ हैं कस्टम एंड एक्साइज एच एम हर मैजिस्ट्री कस्टम एक्साइज का केस है जिसके अंदर ये प्रॉब्ली यू कैन एक इन्फ्लमेटेबल लव डॉल्स जो बेसिकली एक वॉज अ टाइप ऑफ अ सेक्स टॉय जिसके ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ था अंडर द प्रिटेक्सट ऑफ पब्लिक मोालिटी ये डिस कंसिडर हुआ ऑल दो के इसमें जस्टिफिकेशन पब्लिक मोरलिटी की आई सिमिलरली हैन एंड डारबी का केस है जिसमें पोर्नोग्राफिक मटीरियल था दैट वॉज कॉन्फिसकेटेड बाई दीज इंडिविजुअल्स फ्राम दिस इंडिविजुअल्स जो कि अगेन पब्लिक मोरलिटी के प्रीटेक्स में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई यूके की तरफ से अगेन दिस वॉज रिजेक्टेड बिकॉज द सिमिलर प्रोडक्ट्स वर यू नो रेडिल अवेलेबल इन यू के सो कोर्ट ने कहा कि दे माइट हैव बीन लेस रिस्ट्रिक्टिव मेयर्स

That states KG consumer protection should not be confused with public policy. But Thompson ka case jo hai, that gives us a clear definition. The UK ban on export of silver coin was justified on grounds of public policy. It stemmed from now this is a law, the need to protect the right to mint coinage, which is traditionally regarded as involving a fundamental interest of the state. So I think this is the operative part of the test. It has to involve the fundamental interest of the state. सो मेजर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हो तो वो सिर्फ पब्लिक पॉलिसी में आ सकता है इसी तरह वी हैव अनादर केस फ्रेंच रूल्स स्टेटिंग सेटिंग अ मिनिमम प्राइस फॉर फ्यूल कुड नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड सिविल डिस्टर्बेंस सो सिविल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए जो पब्लिक पॉलिसी का ग्राउंड इन्वोक कर रहे थे दैट वॉज क्लियरली रिजेक्टेड इसी तरह पब्लिक सिक्योरिटी की हम बात करें तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कैंपस ऑयल इसके अंदर क्या था कि देर वॉज अ प्रोहिबिशन Uh, जी, कित, कितने से ज़्यादा जो है वो uh, जो ऑयल है पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा सच वॉज़ जस्टिफाइड अंदर द प्रीटेक्स ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी इसी तरह In this case, Luxembourg was allowed to make a transit of goods described as as strategic material in case of unit for production of bubble memory circuits subject to special authorization. So this so a special authorization that was justified under the pretext of public security. Similarly, when we talk about public health, um is basically healthing, that is health of human. लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट वो सारा शामिल हो जाता है कमीशन वर्सेस यूके इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री एंड मीट सो अगर कोई इंस्पेक्शन की जाती है uh, जिसके अंदर आपसे कोई पैसे रिकवर नहीं किए जाते और सिर्फ डिले कॉज होता है इंस्पेक्शन की वजह से सो यू है्योरली एम क्यू आर एंड दैट एम क्यू आर कैन बी जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल थर्टी पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट Any inspection in principle on MEQR because even if there is no ch charge, it causes a delay and therefore a hindrance to importation. The importing state must take into account the evidence of any test already complied with in exporting state, and only if it can be shown that those were insufficient can it require additional tests. As per the case of Commission versus UK, UHT milk case. Similarly, in the case of Commission versus Germany, additives in beer, the same rule was applied. Um, one case for animals life of animals is the blue case uh, this was with regards to uh, those species of um honeybees that were uh, that were problematic for the other bees within the ecosystem to uske prohibition lagayi gayi and that was justified under the pretext of protection of life of animal uh, similarly

एक स्कूल ऑफ़ थाट कहता है कि जी दे आर सिंपली सप्लीमेंटल टू योर हेल्थ वो आपकी हेल्थ को ऐड कर रहे हैं और एक सप्लीमेंट्री फूड है और दूसरा व्यू ये कहता है कि नहीं जी वो डेंजरस है बिकॉज उसमें जो प्रोटीन कॉन्टेंट है या जो फैट कॉन्टेंट है वो इतना ज़्यादा है कि वो नुकसानदे अब ये दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं यानी मेडिकल प्रोफेशनल इसमें कुछ लोग फेवर करते हैं कुछ लोग जो हैं जो बहुत उसको रिजेक्ट करते हैं अगर कंट्री जो है वो किस इन दोनों में स्कूल ऑफ थाट में से किसी एक स्कूल ऑफ थाट को अडॉप्ट कर ले और वो रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच रखता हो तो देन इट कैन बी जस्टिफाइड अंडर द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेकिन यह प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी थोड़ा सा तरीके से लगाया जाएगा दैट वॉज गिवन इन द केस ऑफ कमीशन वर्सिस डेनमार्क द कोर्ट कन्फर्म दैट द मेम्बर स्टेट्स कैन अडॉप्ट अडॉप्टर ओन प्रिकॉशनरी मेजर्स इन सिचुएशन विद द प्रिसाइज रिस्क टू हेल्थ आर अनसर्टन बट सेट दैट सच अ प्रिकॉशन मस्ट बी नेसेसरी एंड प्रपोशनड सो वो जरूरी भी होना चाहिए और मुनासिब भी होना चाहिए तो so, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया था अदालत ने फिर um, नेशनल ट्रेडर्स के लिए हमारे पास अटा अटालियन आर्ट जो हमने गुड्स के लिए रिलेटेड केस पढ़ा था वो है यहाँ पर आपको इस स्लाइड में एक समरी भी नज़र आ रही है कि आर्टिकल 36 ग्राउंड्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली विल बी क्लोज स्क्रूटनी एज टू वेदर रिलायंस ऑन डिफेंस अंडर आर्टिकल थर्टी इज वॉरंटेड ऑन द फैक्ट्स एज पर सैंडोज डॉक मॉरिज एंड कमीशन वर्सिस डेनमार्क केस मरीज जस्टिफाइड थ्रू आर्टिकल थर्टी ऑन द प्रिपल में स्टिल भी अनलॉफुल इफ दे फेड टू द So, आगे जाकर मैं आपको इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा के if, if law, 34 के उसके मुताबिक कर भी हो गया अगर जस्टिफिकेशन मौजूद है वो आर्टिकल थर्टी सिक्स की हो या किसी की हो अब उसके बाद भी एक चीज आपने देखनी है दैट इज द प्रोपोशनैलिटी टेस्ट अब ये जो इंपॉर्टेंट uh, आपका आखिरी जो पॉइंट है उसमें प्रपोशनैलिटी मुनासिबत कि क्या आया जो इकदाम लिया गया है और जिस लॉजिक की वजह से लिया गया है क्या इस इकदाम के तहत ये बेस्ट तरीका था क्या यही बेहतरीन तरीका था उस चीज़ को अचीव करने का जो कि कंट्री ने अडॉप्ट किया है सो वी आर नॉट सपोज टू लुक एट रीज़नेबलनेस प्रपोशनैलिटी इज़ कि जितनी ज़रूरत थी उतनी सख्ती की गई है या उससे ज़्यादा so uh, if the state successfully demonstrates that the restriction in question pursues a legitimate aim, the court must be able, uh, must be also satisfied that the mayor in question is proportionate one. following considerations are to be given. the means employed by the state must be suitable, adequate, and appropriate to the attain the end. as per the scotch whisky case, the mayor taken by the state must not be more than necessary to achieve the policy aim, must be at least the onerous one. And lastly, the impact of the mayor on the intra-EU trade must not be out of proportion to the importance of public policy aim that has been pursued. So, basically, in a nutshell, you have seen two things: what is suitable, what is appropriate, ta us end, which is the rule. और क्या उससे कोई बेहतर तरीका तो मौजूद नहीं था यानी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव वही तरीका था इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं अडॉप्ट किया जा सकता था अगर नहीं किया जा सकता था देन आपका रूल प्रपोशनेट है तो ये एक फैक्चुअल असेसमेंट होती है बट आपने जहन में रखना है कि जब भी आप अगर मैं रिकैप करूं जब भी आप एम ई क्यू आर के बारे में बात कर रहे हो तो आपने सबसे पहले एम ई क्यू आर की जो ब्रीच है वो प्रूव कर दी ब्रिज प्रूफ करने के बाद आपने टेरोगेशन प्रूफ करनी है कि क्या आया इसका कोई जवाब तो नहीं है वो आपके पास आर्टिकल थर्टी सिक्स में भी हो सकता है वो आपके पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में भी हो सकता है और फिर फाइनली आपने देखना है कि क्या आया उसकी प्रपोशनैलिटी भी है यानी कोई जस्टिफिकेशन भी है आपके पास उस चीज़ की आ, और जो मुनासिबत है आ, तो ये तीसरी जो चीज़ है प्रोपोशनैलिटी इसको आपने सेपरेट तरीके से एड्रेस करना है ये ना हो कि आप जो है वो डेरीगेशन डिस्कस करके वहां पे क्लोज कर दें और आई एडज दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ़ दिस डिस्कशन विद रिगार्ड्स टू नॉन फिजिकल ट्रेड बैरियर्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और यू हैव एनी कॉमेंट्स टू लीव फीडबैक इन द कामेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच